हेलो बच्चों वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनदर वन एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन होने के एविडेंस क्या है क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हो रहा है क्या रीज़न है नहीं रीज़न तो बाद में पढ़ेंगे क्या सबूत एविडेंस है एवोल्यूशन हुआ एक ऑर्गेनिज्म कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ इस बात का क्या सबूत है तो हमने एविडेंस वहाँ पढ़ा था दो एविडेंस पढ़े थे एक था प्लैंटोनोलॉजिकल एविडेंस जिसमें हम फॉजिल स्टडीज करे थे प्रिजर्वड बोन्स इन दी अर्थ क्रस्ट आर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंट एनिमल्स जो प्रीवियस एनिमल गुजरे उनका उनके बारे में हम उनके बोन्स से पढ़े हुए थे जिसको हम पेंटोलॉजिकल स्टडी बोले उसके बाद हम मार्फोलोजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस दिए इसमें हम उनके ऑर्गन स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है जिसको हम होमोलोगस ऑर्गन बोले जैसे कि गाय और एक इंसान दोनों के जो फोरलिम हैं ओरिजिन और, और स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इंसान का फोरलिम खाने के लिए इस्तेमाल होता है और गाय का फोरलिम चलने के लिए इस्तेमाल होता है सो इट इज़ इट मीन्स ये दो कहाँ की जाके पहले एक ही थे और बदलते बदलते इनमें बदलाव आ गया इसी तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंट लेकिन फंक्शनल लेकिन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शनली सेम जिसको हम एनालॉगस ऑर्गन बोले जिसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं और होमोलोगस को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं एक में से ही अलग अलग हो जाना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अलग अलग सेम जैसा कैरेक्टर दिखाना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो ये दो एविडेंस हमने पढ़े थे अब जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरा एविडेंस जिसका नाम है एडप्टिव रेडिएशन जिसको हम बायो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस भी कहते हैं बायो यानी कि लाइफ जियोग्राफी यानी कि प्लेस किसी प्लेस पर पर्टिकुलर प्लेस के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक नमूने का बदलाव आ जाना कई नमूने के इंडिविजुअल बनना किसी ग्रुप के अंदर जिसको हम बोलेंगे एडप्टिव रेडिएशन रेडिएशन यानी कि पर्टिकुलर एरिए में वहीं अडप्टेशन यानी कि जीने के लिए अडप्ट होने के लिए सर्वाइव होने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर उस ऑर्गेनिज्म का बदलना उसको हम कहते हैं अडप्टिव रेडिएशन देखिए डेफिनेशन कैसा है इसका लुक एट द डेफिनेशन इट देखिए अडप्टिव रेडिएशन इन्वॉल्व बाई अडाप्टन अडप्टशन यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अडप्ट होके रहना उसके लिए अपने अंदर लाने हुए बदलाव पर्टिकुलर जगह पर जिसे रेडिएशन बोले वहाँ जीने के वास्ते अडाप्टेशन ठीक है इज द एवोल्यूशन ऑफ़ डिफरेंट स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हाँ किसी एक जगह पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सर्वाइव होने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्म होना किसी एक ग्रुप में से उसको हम बोलेंगे अडप्टिव रेडिएशन दोज विच आर हैविंग कॉमन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ठीक है तो वॉट यू मीन एडेप्टिव रेडिएशन इन एग्जामिनेशन इट विल बी आस्क फॉर थ्री मार्क्स डेफिनेशन जिसकी आपको एग्जाम्पल नीचे ये जो तीन एग्जाम्पल है ये तीन एग्जाम्पल आपको लिखना है ठीक है तो क्या है एडेप्टिव रेडिएशन एडप्टिव रेडिएशन ऑफ डिफरेंट स्पिस इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया विच स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन एनसटार स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर इंसेस्टर स्टॉक से अलग अलग नमूने के इंडिविजुअल बनना किसी पर्टिकुलर जगह पर दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन इज वन ऑफ द वन ऑफ द एविडेंस ऑफ वाट यस एवोल्यूशन एवोल्यूशन हो रहा है एवोल्यूशन का एक एविडेंस एक, एक हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन भी है पर्टिकुलर जगह पर जीने के वास्ते एनिमल के अंदर कई नमूने के बदलाव ला लेते हैं जिसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं और अडेप्टिव रेडिएशन इज ए वन ऑफ द एविडेंस ये सबूत है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है या हो रहा है ठीक है ना इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे डार्विन फिंचस इन गैलापागोस आइलैंड। देखिए गैलापागोस एक जगह है डार्विन एक पर्सन है उन्होंने उस प्लेस पे जाने पर इस फिंचस नाम के बर्ड में फिंचस तो एक बर्ड है लेकिन उस फिंचस नाम की एक बर्ड में कई नमूने के बर्ड्स दिखे उसको वेरिएशन इन द बीक पहले जो उसकी इंसेक्ट पहले जो उसकी बीक थी फिंचस बर्ड की जो बीक चोंच जो थी वो इंसेक्ट ईटिंग थी बाद में वो सीड ईटिंग हो गई यानी कि सर्वाइव के लिए खाने के लिए उन्होंने अपने बीक्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर लिए तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स मार्सोपियल्स एक ऑर्डर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये ऑर्डर के एनिमल पाए जाते हैं और इनके अंदर कई सारे बदलाव चेंजेस हुए प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया सेम वो मैमल जो प्लासेंटा यानी कि डिलीवरी करके अपने बच्चों को पैदा करते हैं उसको हम प्लासेंटल मैमल कहते हैं वो उनके अंदर भी कई सारे चेंजेस आए बदलाव आए विच ए कॉमन एनसेस्टर फ्रॉम ए कॉमन एनसेस्टर दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ग्राफ है यहाँ पे एक डायग्राम है ये भी आपको नोट्स में लिखना है ये पे मार्सोपियल है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दी मार्सोपियल रेडिएशन ठीक है नाउ आपको ये पॉइंट भी लिखना है प्लासेंटल के एग्जाम्पल है ये ठीक है ये डार्विन या ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स का ये एग्जाम्पल है प्लासेंटल मैमल्स के मोल्स एंड ट्रेटर मॉस ल्यूमेर ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है फिर आपको ये पॉइंट्स भी लिखना है फिर आपको ये टेबल प्लासेंटल मैमल के कौन से एनिमल हैं और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स के कौन से एनिमल हैं ये लिस्ट भी आपको यहाँ पर बनानी है ठीक है बच्चों तो इसी तरह हमने तीसरा व्हाट तीसरा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन भी हम कम्प्लीट करिए लेट अस चेक दी फोर्थ वन देखिए फोर्थ वन बहुत छोटा है सिर्फ दो लाइन का बैोकेमिकल एविडेंस बैकेमिकल एविडेंस यानी कि अब आप देखिए एक इंसान है बंदर है घोड़ा है गधा है हाथी है इन सब में ब्लड है इज इट राइट इन सब का खाना सेम है जैसे कि हम कोई फल खा लिए वही फल यानी एक गाय भी खाती है बंदर भी खाता तो उसके अंदर भी प्रोटीन डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन उसके अंदर भी मिनरल न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में भी मसल्स है उसकी बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स है वो सभी सेम है सो तो इसको हम बायोकेमिकल एविडेंस बोले यानी कि हमारे अंदर की के जो केमिकल्स है डिफरेंट टाइप एनिमल्स के अंदर के केमिकल्स हैं वो कहाँ की जाके सिमिलर है सो सिमिलैरिटी सिमिलर इन प्रोटीन्स एंड जीन्स एंड सिमिलर इन बायो मोलिक्यूल्स एंड मेटाबोलिज्म सो दिस इज़ ए वन एविडेंस ऑफ वाट कि ये सारे एनिमल्स कहाँ की जाकर कैसे थे बोले तो सेम थे ये फोर्थ एविडेंस है नेक्स्ट एविडेंस आता है फिफ्थ इमरलॉजिकल एविडेंस इसको प्रपोज किया था आ, आ, एन्स्टिकल इसको प्रपोज किया है अकॉर्डिंग टू हिम इन्हों क्या बोला बोले तो ही एब्जोर्व दैट ऑल वर्टिब्रेड इम्ब्रियोज जितने वर्टिब्रेड्स होते हैं आपको पता है वर्टिब्रेड्स कैसे बोलना चाहिए हैव सेम कॉमन हैव सम कॉमन फीचर दैट आर ऑब्जोर्व इन द अडल्ट फॉर एग्जाम्पल ऑल वर्टिब्रेड इम्ब्रियो जो बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन पैदा नहीं होने से पहले डिलीवरी नहीं होने से पहले इसे माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं डेवलप ए रॉ ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड हैड बट इट इज़ फंक्शनल ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन दी अदर वाटी बेड्स तो वाट हीट जब हम माँ के पेट में बच्चे होते हैं जैसे कि इंसान का बच्चा घोड़े का बच्चा घरे का बच्चा आई एम टिंग लाइक दिस डोट और फॉर एग्जाम्पल बंदर का बच्चा बिल्ली का बच्चा चोबे का बच्चा ये सारे जो बच्चे होते हैं माँ के पेट में इन सभी के फीचर्स एक जैसे होते हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल वेस्टी वेस्टीजियल गिल स्लिट सभी के पास होता है लेकिन अडल्ट होने पर यह सिर्फ फंक्शनल फिश में पाया जाता है दूसरों में नहीं तो इट मीन्स इट इज अ वन ऑफ द एविडेंस ये क्या कहता है कि हम सब पहले एक ही थे होते होते अलग हुए दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है जो सिक्स एविडेंस है वो हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे ये इतना आज के लिए काफ़ी है तो आपको नोट्स यहाँ से अडप्टिव रेडिएशन से यहाँ से लेकर अप टू केमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल यहाँ तक लिखकर फिर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है सिर्फ कहाँ तक बोलो तो यहाँ तक भी आप लिख दिए तो इनफ है ठीक है ये जो है सिक्स वन विल बी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास राइट थैंक यू